बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर एक रन की बढ़त लेने के बाद दूसरे दिन स्टंप्स तक अपनी दूसरी पारी में एक विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। वहीं ट्रेविस हेड और मानस लाबूशेन नाबाद हैं। मेहमानों की कुल बढ़त 62 रन पहुंच चुकी है। इससे पहले भारतीय टीम पहली पारी में 262 रनों पर ऑल आउट हो गई। एक समय भारतीय टीम 139 रनों के निजी स्कोर पर 7 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद अक्षर पटेल के 74 रन और रविचंद्रन अश्विन के 37 रन ने 8वें विकेट के लिए 114 रनों की साझेदारी कर भारत को मुकाबला में वापस ला दिया। केएल राहुल फिर फेल। दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पर शनिवार को मुकाबले के दूसरे दिन भारत ने 21 रनों के स्कोर से दूसरे दिन की शुरुआत की। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 13 और केएल राहुल 4 रनों के निजी स्कोर के साथ दिन की शुरुआत करने उतरे। दोनों पहले विकेट के लिए 46 रन जोड़ते हुए ड्रिंक्स तक का समय निकाला। फिर शुरुआत हुई नाथन लायन का खेल। उन्होंने राहुल को 17 रनों पर चलता कर दिया। लंच से पहले तक टीम इंडिया ने 88 रनों पर 4 विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में कोहली ने जडेजा के साथ अर्धशतकीय साझेदारी कर पतझर को रोका, लेकिन वे खुद एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन के कारण 44 रनों पर आउट हुए। टीम इंडिया एक बार फिर संकट में थी। ऐसे में अक्षर और अश्विन ने 114 रनों की पारी खेल संकट से बाहर निकाला। वहीं कंगारुओं की ओर से नाथन लायन ने 5 विकेट लिए। टॉड मर्फी और मैथ्यू कुहमैन ने 2-2 विकेट लिए। एक विकेट कप्तान पैट कमिंस को भी मिला। पहली पारी में ऐसे गिरे भारत के विकेट। पहला विकेट, 18वें ओवर की पहली बॉल पर नाथन लायन ने केएल राहुल को LBW कर दिया। दूसरा विकेट, 20वें ओवर की दूसरी बॉल पर लायन ने रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। तीसरा विकेट, लायन ने 20वें ओवर की चौथी बॉल पर पुजारा को LBW कर दिया। चौथा विकेट, 26वें ओवर की दूसरी बॉल पर लायन ने अय्यर को हैंड्सकॉम के हाथों कैच आउट कराया। पांचवां विकेट, 47वें ओवर की पांचवी बॉल पर टॉड मर्फी ने जडेजा को LBW कर दिया। छठा विकेट, कुमैन ने 50वें ओवर की तीसरी बॉल पर कोहली को LBW कर दिया। सातवां विकेट, 91वें ओवर की पांचवी बॉल पर लायन ने केएस भारत को स्लिप में स्मिथ के हाथों कैच आउट कराया। आठवां विकेट, सब्स्टिट्यूट फील्डर रैनशॉ ने पैट कमिंस की बॉल पर अश्विन का कमाल का कैच पकड़ा और उन्हें चलता कर दिया। नौवां विकेट, पैट कमिंस ने टॉड मर्फी की बॉल पर अक्षर पटेल का गजब का कैच पकड़ा। दसवां विकेट, 84वें ओवर की तीसरी बॉल पर मैथ्यू कुहमैन ने शमी को बोल्ड कर दिया। वहीं अगर सेशन की बात करें तो दूसरे दिन का पहला सेशन नाथन लायन के नाम रहा। इस सेशन में भारतीय बल्लेबाजों ने 88 रन तो बनाए जरूर, लेकिन सेशन के गेम में लायन की धाक देखने को मिली। लायन ने राहुल, रोहित शर्मा, पुजारा और अय्यर को चलता कर दिया। लायन ने तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी बोल्ड कर दिया, जबकि 100वां टेस्ट खेल रहे पुजारा को 0 रनों पर पवेलियन भेजा। दूसरा सेशन भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के नाम रहा। इस सेशन में 91 रन बनाने में टीम इंडिया ने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। इस सेशन में जडेजा, कोहली और भरत आउट हुए, जबकि अक्षर और अश्विन नाबाद लौटे। दोनों टीम को संकट से उबारने का प्रयास कर रहे ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लायन ने 5वां विकेट हासिल किया। हालांकि कोहली, जडेजा ने अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाया। दूसरे दिन का आखिरी सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। इसमें कुल 144 रन बने और 4 विकेट गिरे। इनमें भारतीय टीम ने 83 रन बनाने में 3 विकेट गंवा दिए, जबकि कंगारुओं ने 3 विकेट चटकने के साथ ही 1 विकेट खोकर 61 रन भी बना डाले।